असलम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू बायोलॉजी बाय थ्रेशर। यहाँ पर हम लोग अब केमिस्ट्री के कुछ की तैयारी कर रही हूँ मैं, ठीक है? आप लोग भी मेरे साथ में करें तैयारी इसी तरह से, तो आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छा होगा, ठीक है? सो अब चलते हैं फिर अपने हैंड आउट्स की रीडिंग की तरफ। थोड़ा रीडिंग करेंगे, सही है? तो चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री CH2O1 हैंड आउट्स। यहाँ पर है विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप दिए गए हैं, ठीक है? एलेवंथ पर है, ये वाली फाइल एलेवंथ पर है, डाउनलोड सेक्शन में आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है लेक्चर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द अंडरलाइंग फिजिकल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ केमिकल सिस्टम्स। केमिकल सिस्टम कैन बी स्टडीड फ्रॉम आइदर अ माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। द माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। द माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट स्टडीज लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विदाउट एक्सप्लिसिट यूज ऑफ द मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 2 थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इसके अंदर है ग्रीक वर्ड्स फॉर थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स पावर, ठीक है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हीट वर्क एनर्जी एंड द चेंजेस दे प्रोड्यूस इन द स्टेट्स ऑफ सिस्टम्स। थर्मोडायनामिक्स स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। अ की प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनामिक्स इज टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स इज समटाइम्स डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स स्टडीज द सिस्टम इक्विलिब्रियम, सही। उसके बाद सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक साइंस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स, इट डील्स विद नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स एंड रेट प्रोसेसेस, ठीक है? उसके बाद में लेक्चर नंबर 3 थर्मोडायनामिक सिस्टम्स द माइक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड द सिस्टम। द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स दैट कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम आर कॉल्ड द सराउंडिंग्स। ओपन सिस्टम इज वन वेयर ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन अकर। क्लोज सिस्टम इज वन वेयर नो ट्रांसफर ऑफ मैटर कैन अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन दैट डज नॉट इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग। An isolated system is obviously a closed system, but not every closed system is isolated. सही हो गया? इस बाद में चलते हैं आगे। ये बहुत से टॉपिक्स हैं, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं और उसके अलावा हमने वीडियोस में भी जो है ना मैंने इनको पढ़ा है, ठीक है? इन पर लेक्चर्स भी हैं और वो सारे के सारे व्यू वाले जो सारे लेक्चर का ना और उसके साथ जो हैंड आउट्स है पीपीटी सब कुछ पढ़ा है मैंने, तो उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं आगे लेक्चर नंबर 4। यहाँ पर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स डील्स विद सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। एन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस होल्ड। द सिस्टम्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट विद इन टाइम। रिमूवल ऑफ द सिस्टम फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद इट्स सराउंडिंग्स कॉजेस नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। इफ कंडीशन ए होल्ड्स बट बी डज नॉट होल्ड द सिस्टम इज इन अ स्टडी स्टेट। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन और विद इन द सिस्टम, हेंस द सिस्टम अंडरगोज नो एक्सेलरेशन एंड देयर इज नो टर्बुलेंस विद इन द सिस्टम। मटीरियल इक्विलिब्रियम नो नेट केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग इन द सिस्टम। Nor is there any net transfer of matter from one part of the system to another or between the system and its surroundings. Thermal equilibrium between a system and its surroundings, there must be no change in the properties of the system or surroundings when they are separated by a thermally conducting wall. ठीक हो गया। उसके बाद है fourth thermodynamic equilibrium, all three kinds of equilibrium must be present. सही। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक नंबर 5 टॉप
का लेक्चर दोनों बोल सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज वन हुज वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स वैल्यूज फॉर द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। Thus, if we divide a system into parts, the mass of the system is the sum of the masses of the parts. Mass is an extensive property. ठीक है, mass is an extensive property. So is volume का मतलब volume भी एक extensive property है. ठीक है, इसके बाद में intensive thermodynamic property is one whose value does not depend on the size of the system. Provided the system remains of a macroscopic size, recall nanoscopic system. Sorry. उसके बाद है जनाब, डेंसिटी एंड प्रेशर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इफ ईच इंटेंसिव माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम इज होमोजीनियस। इफ अ सिस्टम इज नॉट होमोजीनियस इट मे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ होमोजीनियस पार्ट्स। अ होमोजीनियस पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अ फेज। A system composed of two or more phases is heterogeneous. Suppose that the value of every thermodynamic property in a certain thermodynamic system equals the value of the corresponding property in a second system. The systems are then said to be in the same thermodynamic state. ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 6 टेम्परेचर। Suppose two systems separated by a movable wall are in mechanical equilibrium with each other. सही है, are in mechanical equilibrium with each other because we have mechanical equilibrium. No unbalanced forces act and each system exerts an equal and opposite force on the separating wall. उसके बाद में systems in mechanical equilibrium with each other have the same pressure. Just as systems in mechanical equilibrium have a common pressure, it seems plausible that there is some thermodynamic property common to systems in thermal equilibrium. Yeah, possible as well. ठीक है, उसके बाद हमारे पास this property is what we define as the temperature symbolized by theta. Two systems in thermal equilibrium which with each other have the same temperature. Two system not in thermal equilibrium have different temperature. ठीक है, उसके बाद although we have asserted the existence of temperature as a thermodynamic state function that determines whether or not thermal equilibrium exists between systems, we need experimental evidence that there really is such a state function. Suppose that we find systems A and B to be in thermal equilibrium with each other. ठीक है, to be in thermal equilibrium with each other when brought in contact by a thermally conducting wall. Further, suppose that we find systems B and C to be in thermal equilibrium with each other. By our definition of temperature, we would assign the same temperature to A and B. To A and B, micro A, micro B, and the मतलब new A, new B, and the same temperature to B and C, new B and new C. Therefore, system A and C would have the same temperature, and we would expect to find A and C in thermal equilibrium when they are brought in contact via a thermally conducting wall. सही हो गया, ठीक है। उसके बाद, if A and C were not found to be in thermal equilibrium with each other, then our definition of temperature would be invalid. It is an experimental fact that two systems that are each found to be in thermal equilibrium within a third system will be found to be in thermal equilibrium with each other. ठीक हो गया ना, सही। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 7 प्रेशर। ये वाला पॉइंट है ना, एक थर्मल इक्विलिब्रियम वाला, ये वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया सर ने, और अब ये रीड करके रिकॉल हो गया सारा का सारा अच्छे से। इसलिए आप लोग भी इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा, मतलब बहुत फाका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लेक्चर नंबर 7 प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जर्टेड बाय द सिस्टम और इट्स सराउंडिंग्स। P = F / A फॉर अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।
the pressure throughout the system is uniform and equal to the pressure of the surrounding. If external electric or magnetic fields act on the system, the field strength are thermodynamic variables. We won't consider systems with such fields. We are ignoring the effect of the Earth's gravitational field, which causes a slight increase in pressure as one goes from the top to the bottom of the system. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे. अगला है लेक्चर नंबर 8, मोल. द रेशियो ऑफ द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द मास ऑफ सम चूजन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, और ए आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. द आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव. ठीक है, उसके बाद द स्टैंडर्ड यूज्ड सिंस 1961 इज 1/12 टाइम्स द मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ 12th कार्बन. ठीक है, द रेशियो ऑफ द एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस टू 1/12 टाइम्स द मास ऑफ 12th कार्बन एटम इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मार ऑफ दैट सब्सटेंस. द नंबर ऑफ 12 कार्बन एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ 12 कार्बन इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर. द एवरेज मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मैसेज आर कॉमनली एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स वेयर 1 amu इज 1/12 मास ऑफ द 12 कार्बन एटम. द मोल ऑफ सम सब्सटेंसेस इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ द एलिमेंट्री एंटिटीज. सही, उसके बाद में हमारे पास फॉर एग्जांपल मोल ऑफ हाइड्रोजन. एटम्स कंटेन 6.02×10^23 हाइड्रोजन एटम्स. अ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 6.02×10^23 वाटर मॉलिक्यूल्स. वी शोड अर्लियर इन दिस सेक्शन दैट इफ एम आर रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द स्पीशीज देन द मास ऑफ वन मोल ऑफ स्पीशीज इक्वल टू एम आर ग्राम्स. द मास पर मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. फॉर एग्जाम्पल H2O mass इसका है 18.018 upon mole. तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज mi upon कैपिटल mi upon स्मॉल mi upon ni. ठीक है, Nn जो है वो मास इन ग्राम है, मोल है. ठीक है, वेयर mi इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन अ सैंपल. सब्सटेंस आई इन अ सैंपल एंड एन आई इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई इन द सैंपल. द मोलर मास एम आई एंड द मोलिकुलर वेट एम आर आई ऑफ आई आर रिलेटेड बाई एम आर आई 1 gram पर मोल वेयर एम आर इज अ डायमेंशन लेस नंबर. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया है लेक्चर नंबर 9, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस. नो गैस इज आइडियल. मोस्ट गैसेस बिहेव आइडियली ऑलमोस्ट एट प्रेशर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 180 और लोअर व्हेन द टेंपरेचर इज अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर. आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें P V = nIT. पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम और एन है नंबर ऑफ मोल्स. आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी है टेम्परेचर. आर के दो वैल्यूज हैं 0.0821 atm पर मोल पर केल्विन. उसके बाद में आर की एक और वाली 8.314 किलो पास्कल लीटर्स पर मोल पर केल्विन. ठीक है, चलते हैं आगे. ठीक है, तो आगे चलते हैं. व्हेन वी डू कैलकुलेशन वी विल अस्यूम और आर गैसेस आर बिहेविंग एज आइडियल गैसेस. अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव डिटरमिंड दैट 4 वेरिएबल्स आर सफिशिएंट टू डिफाइन द फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस. द गैस लॉस बोयलर-चार्ज लॉ एवोगाड्रोस लॉ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस सॉरी. ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 10 में है बॉयल्स लॉ. रॉबर्ट बॉयलर 1627-1691 द फर्स्ट मॉडर्न केमिस्ट नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. हिज 1661 बुक द स्पेक्टिकल केमिस्ट marks the introduction of the scientific method, a definition of elements and compounds and a refutation of alchemy and magic potions. ठीक है, उसके बाद में है Boyle investigated the variation of the volume occupied by a gas as the pressure exerted upon it was altered and noted that the volume of a fixed quantity of gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure. Where K is constant, the Boyle's law is understandable from the picture of a gas consisting of
a huge number of molecules moving essentially independently of one another. The pressure exerted by the gas is due to the impacts of the molecules on the walls. A decrease in volume causes the molecules to hit the walls more often, thereby increasing the pressure. In actually, the molecules of a gas exert forces on one another, so Boyle's law does not hold exactly. In the limit of zero density reached as the pressure goes to zero or as the temperature goes to infinity, the gas molecules are infinitely far apart from one another. Forces between molecules become zero and Boyle's law is obeyed exactly. We say that the gas becomes ideal in the zero density limit. Sorry. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 11, चार्ल्स लॉ. अ फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्स चार्ल्स डिस्कवर्ड दैट द वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट कांस्टेंट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर. ठीक है, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी और वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. सही. उसके बाद चार्ल्स लॉ इज ओबेड मोस्ट एक्यूरेटली इन द लिमिट ऑफ जीरो प्रेशर, बट इवन इन दिस लिमिट गैसेस स्टिल शो स्मॉल डेविएशंस. These deviations are due to small differences between the thermal expansion behavior of ideal gases. Pressure limit, therefore, to get a temperature scale that is independent of the properties of any other substance, we shall define an ideal gas temperature scale T by the requirement that the T versus V behavior of a gas be exactly linear. That is, obey Charles' law exactly in the limit of zero pressure. Moreover, because it seems likely that the temperature at which an ideal gas is predicted to have zero volume might well have fundamental significance, we shall take the zero of our ideal gas temperature scale to coincide with the zero volume temperature. We therefore define absolute ideal gas temperature T by the requirement that the relation T B into V shall hold exactly in the zero pressure limit, where capital B is a constant for a fixed amount of gas at constant P and where V is the gas volume. Any gas can be used. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 12, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. In 1811, Avogadro stated that at constant temperature and pressure, the volume of a gas is directly related to the number of moles. ठीक है, V is equal to K into N. ठीक है, उसके बाद V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. उसके बाद में हमारे पास है K is constant and capital N is number of moles of gas. Equal of volumes of gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of molecules, since the number of molecules is proportional to the number of moles. Avogadro's hypothesis states that equal volumes of different gases at the same temperature and pressure have equal number of moles. सही है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 13, equations of state. How are states represented? ये ग्राफ है, इसमें है प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर. उसके बाद में यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट जो है उस पर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है. सही. और क्रिटिकल पॉइंट भी है, ये गैस है. ठीक है, उसके पास चलते हैं हम आगे. हाउ आर स्टेट्स रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट. वी रिलेट द वेरिएबल्स टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर. इक्वेशन ऑफ स्टेट आर मेनली यूज टू डिस्क्राइब फ्लूइड्स लिक्विड्स गैसेस. ठीक है, उसके बाद पर्टिक्यूलर इम्फेसिस ऑन गैसेस. ABCs ऑफ गैस इक्वेशन एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ. कंबाइनिंग ऑल थ्री लॉज दस वी गेट द आइडियल गैस इक्वेशन पी टू इज इक्वल टू एनआरटी. फॉर आइडियल गैस इट इज अस्यूम्ड एज आइडियल गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम. आइडियल गैस हैज नेग्लिजिबल इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन. आइडियल गैस इक्वेशन शोज डेविएशन फ्रॉम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एंड सो इट्स कॉल्ड फेलियर्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लेक्चर नंबर 14, वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ फॉर रियल गैसेस. ठीक है, एज आइडियल गैस इक्वेशन डेविएट्स फ्रॉम गैस लॉ. सो वैन डर वाल्स इन 1873 मॉडिफाइड द आइडियल गैस इक्वेशन टू गिव
the Wendt Rambos equation for real gases. ठीक है, Wendt Rambos modified from ideal gas equation accounts for known zero volumes of gas particles repulsive effect, attractive force between gas particles, attractive effect pressure is equal to force per unit area of container exerted by gas molecules dependent on frequency of collision, force of each collision, both factors affected by attractive forces, each factor dependent on concentration n upon v. ठीक है, hence pressure changed proportional to n upon v whole का square. Letting a be the constant relating p and n upon v pressure term, p in the ideal gas equation becomes p plus a n upon v whole square. ठीक है, रिपल्सिव इफेक्ट, ये था अट्रैक्टिव इफेक्ट, उसके बाद आ गया रिपल्सिव इफेक्ट. गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक स्मॉल इम्पेनिट्रेटेबल स्फीयर्स. एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी. रिडक्शन इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस पी, अमाउंट ऑफ गैस एन. लेट अनदर कॉन्स्टेंट बी, स्मॉल बी रिलेट अमाउंट ऑफ गैस एन टू स्मॉल एन टू रिडक्शन इन वॉल्यूम. वॉल्यूम टर्म्स टर्म इन आइडियल गैस इक्वेशन वी बिकम्स वी माइनस एन बी. कंबाइनिंग बोथ डेरिवेशन वी गेट द वेंट रेंबोस इक्वेशन. उन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आ गया फाइनल इक्वेशन पी प्लस ए एन अपॉन वी होल स्क्वायर इन टू वी माइनस एन एन इन टू बी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, या फिर पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ए अपॉन वी एम स्क्वायर. तो उसके बाद में है वी एम माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी, सॉरी एन ई आर टी है, सही है. उसके बाद में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन नंबर 15 वैन डर वाल्स करेक्शन सर जोहान्स डिडेरिक. ठीक है सर, जोहान्स डिडेरिक वैन डर वाल्स इन 1873 मॉडिफाइड द आइडियल गैस इक्वेशन. ही प्रपोज द आइडियल गैस इक्वेशन विद वैन डर वाल्स करेक्शंस by adding necessary constants, critical constants for intermolecular attraction weak forces, b for volume occupied by the gas particle themselves at high pressure, the volume is much reduced. At this state, the volume of gas molecules becomes no more negligible in comparison with the total volume v occupied by the gas. The no more negligible volume is generally denoted by b, small b called effective volume. Therefore, the total or actual volume available in which the molecules are free to move will be is equal to total volume v effective volume b corrected volume v minus b. ठीक है, उसके बाद प्रेशर करेक्शन. द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द हिट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम्स इनटू प्ले व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट क्लोजर अंडर हाई प्रेशर दैट टुगेदर ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ द गैस. देयरफॉर द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनवर्ड पुल इज ऑब्जर्व ऑन द मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गैस विच अल्टीमेटली डिक्रीजेज द टोटल प्रेशर. देयरफॉर द आइडियल प्रेशर पी आई विल बी इक्वल टू टोटल ऑब्जर्व प्रेशर पी प्लस अ प्रेशर करेक्शन पी ए. ठीक है, पी ए डिपेंडिंग अपॉन द inwards pull attractive forces among the gas molecules, that is P ideal is equal to P plus PA, okay, where PA is equal to A upon V square, hence P into ideal is equal to P plus A upon V square, okay, after adding necessary corrections, okay, the ideal gas equation can be used for the real gases as well. It is known as Van der Waals equation. This equation explains the behavior of real gases with great accuracy and also describes the deviations of gas laws from ideal behavior. ठीक है, ideal gas equation is P into V is equal to nRT. After adding the necessary corrections by calculating critical constants for additional pressure and subtracted volume. ठीक है, for one mole of a substance P
t plus a upon v square v minus b is equals to rt for n mole of a substance. अब इसके लिए ठीक है, एक्चुअल प्रेशर और ये आइडियल गैस प्रेशर है, ये भी एक्चुअल गैस प्रेशर है, ये वाला है एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये आइडियल गैस वॉल्यूम है, ये आइडियल गैस प्रेशर है, और ये एक्चुअल प्रेशर है, और ये वाला एक्चुअल वॉल्यूम है, इज इक्वल टू एनआईटी, ठीक है. क्रिटिकल कॉन्स्टेंट, क्रिटिकल वॉल्यूम इज वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिट मास ऑफ अ गैस और वेपर्स इन इट्स क्रिटिकल स्टेट, ठीक है. उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, द क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट एंड अबव विच वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड. फॉर वैन डेर वाल्स क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ अ गैस अंडर क्रिटिकल कंडीशन इज कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम. द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द गैसेज एंड देयर वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स इज एज़ फॉलोस, वी सी इज इक्वल टू 3b, वी सी इज इक्वल टू a अपॉन 27 वी स्क्वायर, टी सी इज इक्वल टू 8a अपॉन 27 rp, ठीक है. हियर पी सी वी सी एंड टी सी आर द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, मोलर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड जेड सी इज द कंप्रेसिबिलिटी विच इज इक्वल टू पी टू वी अपॉन rt एट द क्रिटिकल पॉइंट्स. Okay, it is also called so. It is so called because only after the first, second, and third laws of thermodynamics had been formulated was it realized that that the zeroth law is needed for the development of thermodynamics. Statement of the zeroth law logically precedes the other three laws of thermodynamics. ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास the zeroth law. Allows us to assert the existence of temperature as a state function. Or putting above values ZC is equal to PC into VC upon RTC. ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आता है लेक्चर नंबर 16, zeroth law of thermodynamics. Two systems that are each found to be in thermal equilibrium with a third system will be found to be in thermal equilibrium with each other. This generalization from our experience is the zeroth law of thermodynamics. ठीक है, A and B no heat flows as A is in equilibrium with B. B and C no heat flows, C is in equilibrium with B. A and C no heat flows, A and C are found to be in equilibrium. सही हो गया. उसके बाद हमारे पास है लेसन नंबर 17, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन द यूनिवर्स रिमेंस कॉन्स्टेंट, मेयरली चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हीट एंड वर्क चेंजेस, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल चेंज इफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम और वर्क इट इज डन बाय द सिस्टम. ठीक है, इसके बाद फर्स्ट लॉ स्टेटेड इफ सम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड इनटू द सिस्टम इट मस्ट आइदर डू वर्क और इंक्रीज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हीट एंड वर्क चेंजेस, ठीक है. तो ये हमारे पास यहाँ पर भी हैं, ये मतलब कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये बाउंड्री है. एनर्जी फ्लो नो मैस फ्लो, एनर्जी फ्लो हो रहा है, मैस फ्लो नहीं हो रहा. सिस्टम है, हीट है और वर्क है. ठीक है, हीट देते हैं तो फिर कोई वर्क होता है या फिर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कैन बी एक्सप्रेस एज डेल ऑफ यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, सराउंडिंग्स और वर्क ये हो रहा है सिस्टम पर वर्क होगा तो ये पॉजिटिव, सिस्टम से वर्क होगा तो ये नेगेटिव होगा. सिस्टम के अंदर हीट एंटर होगी तो फिर वो हो जाएगा पॉजिटिव हीट, और अगर सिस्टम से हीट लीव होगी तो वो हो जाएगी नेगेटिव हीट. उसके बाद यहाँ पर क्यू हीट प्लस पॉजिटिव जब होगी जब सिस्टम गेन थर्मल एनर्जी, और नेगेटिव तब होगी जब सिस्टम लूजेस थर्मल एनर्जी. ठीक है, उसके बाद वर्क पॉजिटिव तब होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो फिर वर्क नेगेटिव होगा. उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव तब होगा जब एनर्जी फ्लोज इन टू द सिस्टम, और जब एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम तो फिर वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा नेगेटिव. सही हो गया.
यहाँ पे क्वेश्चन क्या, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डब्ल्यू एंड एच स्टैंड्स फॉर हीट कॉन्टैक्ट. द फर्स्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस दैट, ये है फर्स्ट लॉ, डेल ऑफ यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. ठीक हो गया. उसके बाद मेरे पास में है लेक्चर नंबर 18, सही. उसके बाद ये है एंथैल्पी, द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एब्रिविएटेड एज डेल ऑफ एच इज इक्वल टू ए प्लस पी इनटू वी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम फिजिकल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर रिकॉल आवर ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी एच इज इक्वल टू ई प्लस पी इनटू वी. देन फॉर चेंज इन एंथैल्पी डेल ऑफ एच इज इक्वल टू डेल ऑफ ई प्लस डेल ऑफ पी इनटू वी. If we set P constant, then del of H is equal to del of E plus P into del of V. Since QP is equal to del of E plus P into del of V. Okay. उसके बाद then del of H is equal to Q into P. QP. So the change in enthalpy, del of H is then equal to the heat transferred at constant pressure. Enthalpy is a state function. A state function is a value that is a function only of the initial and final states of the system, not the path you take to the get there. ठीक है. Entropy, entropy as can be thought of as a measure of the disorder of a system in general. Greater disorder means greater entropy. Entropy is the state function just as enthalpy. Del of S equals to S final minus S initial. Rewrite, del of S equals to K in W final minus K in W initial. ठीक है. W F is greater than W I, then del of S is greater than zero, entropy increases. ठीक है. उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है लेक्चर नंबर 19, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपल जनरल बट डज नॉट कंसिडर अ कंप्लीट थ्योरी बिकॉज कंटेन बिकॉज सर्टेन प्रोसेसेस इट परमिट permits do not occur in nature. ठीक है. The problem arises from classical thermodynamics is connected with states of equilibrium and various processes connecting them. The exact process by which a system reaches the final state from its initial state is immaterial. That is, a transition is independent of the particular path taken. The theory emphasizes the reversible processes, yet the real processes are irreversible. सही है. उसके बाद हमारे पास में टू स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्लॉसेस स्टेटमेंट. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड हुज सोल इफेक्ट इज टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम अ कूलर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी. ठीक है. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. It is impossible to construct a device that operates in a cycle that produces no other effect than the performance of work and the exchange of heat with a single reservoir. Equivalence of the two statements can be shown that the violation of one statement leads to the violation of the other statement, that is, they are equivalent. Two statements of the second law of thermodynamics, Clausius statement, it is impossible to construct a device that operates in a cycle and whose sole effect is to transfer heat from a cooler body to a hotter body. Kelvin Planck's statement, it is impossible to construct a device that operates in a cycle and produces no other effect than the performance of work and exchange of heat with a single reservoir. ठीक है. उसके बाद है जनाब equivalence of the two statements. Can be shown that the violation of one statement leads to the violation of the other statement. They are equal. Second law of thermodynamics states that the total entropy of an isolated system can only increases over time. It can remain constant in ideal cases where the system is in a steady state equilibrium or undergoing a reversible process. The increase in entropy accounts for the irreversibility of natural processes and thus asymmetry between future and past. Entropy of the universe increases in a spontaneous process and remains unchanged in an equilibrium process. Equilibrium process caused to occur by adding or removing the energy from a system that is at equilibrium. Mathematically speaking, spontaneous process as universe, entropy of the universe is equal to system entropy plus surroundings entropy is greater than zero. Equilibrium process, entropy of the universe is equal to system entropy plus surrounding entropy is equal to zero. So, उसके बाद हमारे पास में है लेक्चर 20, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट
crystalline substances zero at absolute zero. Importance of this law, it allows us to calculate absolute entropies for substances. It is impossible to reach a temperature of absolute zero on the Kelvin temperature scale. T is equal to zero Kelvin is often referred to as absolute zero. सही। उसके बाद में हमारे पास है दैट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन मैथमेटिकली बी एक्सप्रेस्ड एज लिमिट एस टी इज इक्वल टू जीरो और एस टी टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एस टी टू थीटा है मेरे ख्याल में, ठीक है, देन एस इज इक्वल टू एंट्रोपी और जे अपॉन के टी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इट इज हेल्पफुल इन मेजरिंग केमिकल अफिनिटी बिकॉज ऑफ This it is known as Nernst theorem. It explains the behavior of solids at very low temperature. It helps in analyzing chemical and phase equilibrium. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्विज का सिलेबस होता है कंप्लीट. सो थैंक यू सो मच.